हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। 1000 वीडियो फ्लैश के वीडियो नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स या अकाउंट से रिलेटेड 1000 वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट बन सके। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि जो अकाउंटिंग हम हमारे बुक्स में सीखते हैं और जो अकाउंटिंग हमारे बिजनेस में यूज़ होती है, दोनों अकाउंटिंग में भी फ़र्क होता है। पर दोस्तों, ये दोनों भी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, दोनों भी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के का इन्वेशन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इन्वेशन फिलोसोफर टर्न मैथमेटिशियन इटालियन मर्चेंट लुका डी पैचियोली ने सन 1494 में किया था। जी हाँ दोस्तों, सन 1494 में किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनलिटी। इस बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जिक्र किया था और उन्होंने कहा था, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देर आर टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो साइड्स होते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आती है तो वो सेम चीज़ किसी और के बिजनेस से जाती है। कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आती है तो सेम चीज़ किसी और के बिजनेस में से जाती है। टू एस्पेक्ट्स मीन्स टू पीपल्स या टू अकाउंट्स। एक अकाउंट होगा रिसीवर ऑफ बेनिफिट और दूसरा अकाउंट होगा गिवर ऑफ बेनिफिट। और उन्होंने तीसरा और सबसे मेन प्रिंसिपल कहा है कि एवरी एस्पेक्ट डेबिटेड दैट अनदर एस्पेक्ट सेम इक्वल अमाउंट से क्रेडिटेड होगा। अगर हम एक एस्पेक्ट को कुछ अमाउंट से डेबिटेड करते होंगे तो जो दूसरा एस्पेक्ट होगा सेम अमाउंट से क्रेडिटेड होगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, लुका डी पैसिओली एक मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स डबल एंट्री सिस्टम में अप्लाई किए। जैसे मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। जी हाँ दोस्तों, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये रूल हम अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम बरोबर आएगा, प्रॉब्लम राइट आएगा। हमारे अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड अगर इक्वल आई तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो ये दोस्तों, आज का ये वीडियो था हमारा लुका डी पैसिओली के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको एक मैं छोटा सा वर्क देता हूँ, आप अपने रिसर्च करिए और मुझको बताइए कि लुका डी पैसिओली का जन्म कब हुआ था। आप थोड़ी सी रिसर्च करिए और मेरे को बताइए कि लुका डी पैसिओली का जन्म कब हुआ था। अगर आपको आंसर पता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आंसर भेज सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।